तू जाने न जान वे बेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ कयास, और कयास जो है वो लाहौर में एम एम आलम पे लोकेटेड है। वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, मैं जो है उनके साथ अक्सर कोलैबोरेट करती रहती हूँ इवेंट्स के लिए, इस वजह से मैं वहाँ पे बार बार चली जाती हूँ। और बहुत डिफरेंट किस्म के डिज़ाइनर्स होते हैं, तो मुझे अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी है और मेहंदी का फंक्शन है। तो मैं बस देख रही हूँ कि मेहंदी के फंक्शन के लिहाज से मुझे क्या पहनना चाहिए। मैंने कुछ बहुत फ्लोई गाउन या लहंगा या समथिंग लाइक दैट पहनने का दिल चाह रहा है। ये ग्रीन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आई थिंक ये किसी का ऑर्डर था, विच इज़ वाई आई लेफ्ट इट। एंड उसके बाद ये भी इस तरह का तो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला सेक्शन भी, यहाँ पे ब्राइडल्स पड़ा हुआ था सारा, ये और ये मैं हूँ, हेलो। अच्छा, और ये किसी का कोट लटका हुआ है। अच्छा, मुझे काफ़ी देर हो रही थी तो मैंने फटाफट बस पिक करना था ड्रेस, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे मेहंदी का भी चाहिए था और बारात का भी ही चाहिए था, तो फटाफट जो है वो मैं देख रही थी कि मुझे क्या चाहिए। ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन इसका जो नीचे गरारा टाइप था ना, वो गया हुआ था कहीं पे, आई थिंक सही होने के लिए गया हुआ था, लेकिन ये था बहुत खूबसूरत। अगर ये होता ना तो मैंने ये लेना था, लेकिन जो मैंने भी पिक किया है ना, वो भी बहुत खूबसूरत निकला। अच्छा जी, अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर आके मैंने शावर लिया है और अब जो है वो मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होंगी, और क्या कहते हैं, मेरे बहुत फाइन बाल हैं तो मुझे बेचारों पे जो है वो काफ़ी तर्स भी आ रहा होता है अक्सर, लेकिन खैर कोई बात नहीं यार, बाल ना अच्छे लग रहे हो ना तो वैसे ही पर्सनैलिटी नहीं अच्छी लगती आई थिंक। अच्छा, और मैं ना बालों को सीधा भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, विच यू शुड, अगर आप मुझे नहीं कर रहे तो प्लीज़ बूट का 21 लिखें इंस्टा पे और मुझे फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत मज़े मज़े का कंटेंट डालती हूँ। अच्छा, तो सीन ये हुआ कि मैं बाल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझसे बाल हैंडल नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाना ही बनाना है, लेकिन मुझे तो हेयर स्टाइलिंग आती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी भाभी को कह देती हूँ, और मैंने अपनी भाभी से अपॉइंटमेंट ली, और मतलब ज़ाहिर है उन्होंने बना के ही देना था। फिर उन्होंने इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल बना के दिया है ना मुझे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, शादी पे जाने से पहले जो है वो मैंने एक मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने एक बॉयल्ड एग और साथ में एक कप दूध का पी लिया था, और ताकि इस तरह होता है ना, फिर आपका मूड ख़राब, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो ना और आप शादी पर चले जाओ तो ना पिक्चर्स लेने का दिल चाहता है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। फिर ये सोचते हो यार पहले हम कुछ खाएँगे फिर हम कुछ करेंगे, खाने के बाद जो है वो टाइम ही नहीं बचता इतना कि आप फिर बाद में पिक्चर्स ले सको, और मुझे तो जाते साथ पहले पिक्चर्स लेनी होती हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को पिक्चर्स लेने का शौक है या नहीं है? मुझे तो बहुत ज़्यादा है, लाइक क्रेज़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मैं चाहती हूँ कि जब मैं तैयार हुई हूँ एटलीस्ट 15 से 20 तो अच्छी पिक्चर्स आ ही जाएं। सो बस जो है इसलिए मैं, फिर मैंने एक कप जो है वो दूध पी लिया और साथ मैंने एक एग ले लिया, ताकि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी रहे और मैं जो है वो मेरा मूड ना ख़राब होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये मैंने मेकअप निकाल के रखा हुआ था, इसमें मैंने जो मेबेलिन की ये बीबी क्रीम है और क्लिनिक का ये फाउंडेशन, इन दोनों को मिक्स करके इसका एक कंकॉक्शन टाइप तैयार होता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब बीबी क्रीम के अंदर फाउंडेशन आई थिंक कोई भी मिक्स नहीं करता होगा, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी कवरेज चाहिए होती है, तो उसके ऊपर फिर मैंने वो जो फेस पाउडर लगाऊंगी ना, उसमें भी काफ़ी कवरेज है। उसके बाद जी मैं बस अपना टाइम ले रही हूँ और मेकअप जो है वो, अच्छा शुक्र है एक टाइम था पहले, आज से 1-2 साल पहले, कि जहाँ पे भी आपने जाना है ना, प्रॉपर 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 मेकअप होना चाहिए, कट क्रीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी मैंने कंसीलर लगाया है, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है, आई थिंक मैंने जितने भी कंसीलर्स आज तक यूज़ किए उनमें सबसे बेस्ट यही है, और यही टिकता है मेरी आंखों के ऊपर। ये था टार्ट का कंसीलर, उसके अलावा फिर इसको मैं अब कर लूँगी ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद जो है वो मैं अपने फेस के ऊपर जो मैंने आपको बताया क्लिनिक प्लस मेबेलिन का जो मिक्सचर है वो लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसको सेट करूँगी अपने फेस पाउडर से, जो कि टॉप फेस का फेस पाउडर है, और इसी तरह मैं हो जाऊँगी तैयार। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ,
जो मैंने आपको पिछले 4 मरतबा बता चुकी हूँ मैं कि क्लिनिक और मेबिलिन जो है उन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा आप लोग बताएं कि क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, और शादियाँ वगैरह अटेंड की हैं आप लोगों ने? शादी जो ही मैंने लास्ट शादी अटेंड की ना, यानी जो मैं जिसका ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, बारात वाले दिन जो मैंने खाना खाया ना, उसके बाद मेरा पेट ख़राब हो गया। लेकिन चलो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। मेहंदी का खाना बहुत मज़े का था। लेकिन अब ये होता है कि बस शुक्र है कि आँखों के ऊपर, मैं तो कुछ भी नहीं लगाती आँखों के ऊपर, बस डायरेक्ट जो है वो मैं जो ब्लश वाला ब्रश है ना, वही मैं अपनी आँखों के ऊपर फेर लेती हूँ और उसके ऊपर फिर लाइनर लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक मुझे बहुत ही शदीद किस्म की पसंद है। अच्छा उसके बाद मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जी मेरे बाल जो है ना वो अच्छे क्यूट बने हुए होने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बाल खोल के रखती हूँ और मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है वो। सो मैं चाह रही थी कि बस जो है ना वो क्यूट सा मेरा हेयर स्टाइल होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने बालों को जो है वो जो मेरे थोड़े थोड़े रह गए ना उनको मैं कर लूँगी ड्राई। ड्राई भी हो जाएंगे, स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे इस ड्रायर को पूछा था, ये ड्रायर जो है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसको कहते हैं वन प्लस। अच्छा मैं नीचे ना कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी, ये जो भी इसका नाम है ना वो मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी। लेकिन इट्स रियली रियली नाइस, यानी अगर आप वैसे इससे बहुत ब्लो ड्राइड लुक तो नहीं मेरी निकलती है, शायद मुझे इसे प्रॉपर अभी यूज़ नहीं करना आता, लेकिन फिर भी इससे बाल जो है ना वो बहुत मज़े के हो जाते हैं, बाउंसी स्ट्रेट और शाइनी एंड बहुत मज़े के हो जाते हैं बाल इससे। तो बस आई एम टेकिंग माई टाइम, आई एम डूइंग माई हेयर। बाल करते करते ही ना मतलब बाजू थकना शुरू हो जाते हैं, तैयार होते होते बाजू थकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमें इंजॉय करना है, हमें जाना है इवेंट पे, हमें जाके वहाँ पे पार्टी शार्टी करनी है, हमने पिक्चर्स लेनी है और हमने जो है वो रोटी शोटी खानी है और फिर हम वापस आएँगे, फिर हमें बहुत मज़ा आएगा। अच्छा यहाँ पर जो है मेरी भाभी जो है वो मेरे बाल बना रही हैं, बाल कर्ल कर रही हैं, और उसके बाद फिर मैंने जो ये वाले झुमके जो हैं वो मैंने निकाले हैं, ये ज्वेलरी जो मैंने निकाली है, एक रिंग है, इसके अलावा झुमके भी मेरे बहुत क्यूट से हैं, ये भी मैंने भाभी से बोरो किए हैं, साथ जो है वो गजरा है एक, और फिर जनाब दिस इज माई लुक। वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। अल्लाहु मंसूर अल मुजाहिदीन वफ़्दुल कफर व अल यहूद व अल नसारा व अल तुम जान दे, तुम्हारी जान दे, तुम्हारी जान दे, खूब पहचान दे, तुम्हारी को हम जानते
सुन सजन तेरी सुन भावे तू जान।